ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सिंह राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 फरवरी से 23 फरवरी यानी कि 7 दिनों के आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में कि ये 7 दिन आपकी राशि वालों के लिए किस प्रकार रहने वाले हैं, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इन 7 दिनों में आपको किन किन चीजों से फायदा होगा, किन किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके 17 फरवरी से 23 फरवरी यानी कि इन 7 दिनों के संपूर्ण और सटीक राशि फल के बारे में बताएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए 17 फरवरी से 23 फरवरी यानी कि 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, यह समय कामकाज को लेकर कुछ सकारात्मक यात्रा का प्लान बनेगा जो आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। संतान संबंधी किसी विशेष कार्य के संपन्न होने से आपको राहत महसूस होगी तथा कार्य को ऊर्जा के साथ पूरा करने का आपका जज्बा भी बना रहेगा। दोस्तों, इस समय पारिवारिक वातावरण अनुशासित तथा सकारात्मक रहेगा। किसी सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है। दोस्तों, आप अपने कार्य को योजनाबद्ध व उचित तरीके से क्रमबद्ध करके निपटाते चलें, अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, साथ ही साथ कुछ समय से चली आ रही समस्या रिश्तेदारों व परिवार के लोगों के सहयोग से हल होगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ विदेश में जाकर अध्ययन करने के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को अल्प प्रयास से ही सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, साथ ही साथ आप महसूस करेंगे कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है, इसलिए अपने परिवार को प्राथमिकता पर रखना आपके लिए आवश्यक है। घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करना घर के माहौल को और अधिक खुशनुमा बनाएगा, इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों के साथ और वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय आप अपना अवश्य ही व्यतीत करें। दोस्तों, परिवार के सदस्यों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेंगी और आप उन्हें पूरा करने में समर्थ भी रहेंगे, उनकी खुशी आपको बहुत अधिक सुकून प्रदान करेगी। दोस्तों, यह समय धन संबंधी निवेश करने के लिए भी उत्तम है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। दोस्तों, साथ ही साथ आप अधिकतर समय आत्म मंथन तथा एकांत वातावरण में व्यतीत करने का प्लान करेंगे, इससे आपको काफी उलझनों से निजात पाने संबंधी हल प्राप्त होंगे तथा अपने अंदर अप्रत्याशित संतोष व ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करना आपके लिए आवश्यक है। रुपए पैसे के मामलों में किसी पर भी आंख मूंद कर आप विश्वास ना करें। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह की अवहेलना करने से आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधित व्यवसाय के कार्यों में पढ़कर अपने कैरियर के साथ समझौता ना करें। घर में अचानक ही कुछ रिश्तेदारों के आने से व्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती है, साथ ही खर्च की भी अधिकता रहेगी। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय भूमि वाहन आदि के लिए कर्जा लेने के लिए योजनाएं बनेंगी, परंतु आप चिंता ना करें, यह धीरे धीरे आसानी से चुकता भी हो जाएगा। किसी नजदीकी मित्र के साथ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, बेहतर होगा कि संबंध खराब होने जैसी स्थितियां ही आप उत्पन्न होने ना दें। व्यवसायिक उथल पुथल तथा आर्थिक मंदी की वजह से परिवार के सदस्यों के खर्चों में भी कटौती आपको करनी पड़ सकती है, जिससे बच्चे कुछ उदास हो सकते हैं।
इसलिए इस समय किसी पर भी अति विश्वास आपकी हानि का कारण बन सकता है, सावधान रहें। साथ ही साथ रुपए पैसे के मामलों में भी किसी पर आप भरोसा ना करें दोस्तों। साथ ही साथ यह समय रिश्तेदारों के साथ धन संबंधी लेन देन करने से आपसी संबंधों में भी खटास उत्पन्न हो सकती है। क्रोध और आवेग में चलते कई बार बनता बनता काम अंतिम चरण में अटक जाएगा, इसलिए धैर्य और संयम से आपको काम लेने की आवश्यकता है दोस्तों। साथ ही साथ आप अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। आपका अपना कोई नजदीकी मित्र ही जलन की भावना से कोई योजना या फिर साजिश रच सकता है दोस्तों। साथ ही साथ यह समय धन के निवेश संबंधी निर्णय में काफी सोच विचार और पूरी जांच पड़ताल कर लेने की आपको आवश्यकता है, अन्यथा आपको भारी हानि हो सकती है, सावधान रहें दोस्तों। बात करें आपके लव लाइफ की तो यह समय पति पत्नी के बीच चली आ रही गलत फहमियां और मतभेद समाप्त होंगे तथा पारिवारिक माहौल पुनः सुखद हो जाएगा। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। घर के सभी सदस्यों का आपसी तालमेल घर में सकारात्मक ऊर्जा को व्याप्त रखेगा। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग तथा सोशल मीडिया में अपना समय व्यर्थ ना करें। घर का वातावरण सुखद रहेगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेगी दोस्तों। यह समय घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन में उमंग व खुशी रहेगी दोस्तों। बात अगर आपके व्यवसाय और कैरियर की करें तो यह समय आपकी उदारता तथा मृदुभाषी स्वभाव से व्यापारिक संबंध और अधिक अच्छे बनेंगे, परंतु अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर और अधिक बेहतर करना आपके लिए अति आवश्यक है। अपने कागजात व दस्तावेज संबंधी फाइलें बहुत ही संभाल कर रखें, कोई व्यक्ति इनका दुरुपयोग कर सकता है दोस्तों। यह समय व्यापार में विस्तार की योजनाओं पर आप अधिक गंभीरता से काम लें। माल बनाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करने में अपना ध्यान आप केंद्रित रखें। नौकरी में तय लक्ष्यों को सरलता व सुगमता के साथ आप हासिल कर पाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ यह समय आप व्यवसाय के विस्तार संबंधी योजनाओं पर पुनः विचार अवश्य करें। कोई भी छोटे बड़े निर्णय लेते समय किसी का मार्गदर्शन व सलाह आप अवश्य लें। ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ समझौता आप ना करें। नौकरी में अधिकारियों व सहकर्मियों के साथ संबंध आपके अच्छे बनेंगे दोस्तों। नौकरी और व्यापार में परिस्थितियां सामान्य ही रहेंगी। कोई नया प्रोजेक्ट आरंभ भी हो सकता है, परंतु बाहरी व्यक्ति पर भरोसा आप ना करें। किसी भी प्रकार की समस्या को घर के बड़े बुजुर्गों व वरिष्ठ की सलाह द्वारा सुलझाने की आप कोशिश करें दोस्तों। नौकरी व्यापार व कारोबार में कुछ ठोस व महत्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधित योजनाएं भी बनेंगी और इनका परिणाम भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में जल्द ही आपकी कोई बड़ी डील लग सकती है दोस्तों। साथ ही साथ यह समय नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव भी बना रहेगा, जिसका आपको बहुत ही डटकर सामना करना है दोस्तों। बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो यह समय यात्रा के दौरान अपने खानपान व दवाइयों का विशेष आप ध्यान रखें। वर्तमान वातावरण की वजह से अपना बचाव रखना आपके लिए अति आवश्यक है दोस्तों। स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहेगा, जोड़ों में दर्द जैसा कष्ट रह सकता है। बादी वाले तथा गरिष्ठ भोजन का आप सेवन ना करें, इससे बचें। संतुलित आहार के साथ साथ व्यायाम और योगा जैसी चीजों पर भी आप अधिक ध्यान दें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आप दूर रहें। वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही घातक हो सकती है, सावधान रहें।